तो दोस्तों स्वागत है आपका बहुत दिनों के बाद। मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा बिजी था तो नहीं आ पाया। आज हम बात करने वाले हैं Vivo V29 और साथ ही Vivo V29 Pro और साथ ही Oppo का Reno 10 Pro, तीनों की आज बात करने वाले हैं और तीनों ही कर्व डिस्प्ले हैं और सबसे बेस्ट कौन सा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं इन तीनों के बारे में। पहले फ़ोन की बात करने वाले हैं Vivo V29, करते हैं अनबॉक्स और देख लेते हैं यहाँ पर लुक वगैरह सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रेड कलर लिया है इसका, तो यहाँ पर अलग ही मेरून टाइप का रेड है यहाँ देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में देखने को मिलता है, शानदार क्वालिटी में। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 778G 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, साथ ही 50 मेगापिक्सल का कैमरा और 8 मेगापिक्सल का कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पर पीछे की तरफ देखने को मिलता है, साथ ही 50 मेगापिक्सल का कैमरा हमें फ्रंट में देखने को मिलता है। IP68 देखने को मिलता है। चार्जर की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 80 वोल्ट का सुपर फ्लैश चार्जर यहाँ पर देखने को मिलता है। रैम रोम की बात करें तो यहाँ पर 8GB 128GB और साथ ही प्राइस की बात करें तो 32,999 रुपये प्राइस यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। बात करते हैं बैटरी की तो 4600mAh की बैटरी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड फ़ोन की बात करें तो Vivo V29 Pro, बात करते हैं इसकी प्राइस की तो यहाँ पर 40,000 में प्राइस देखने को मिलती है, साथ ही 8GB 256GB देखने को मिलता है। इसका मैंने ब्लू कलर लिया है, अलग अलग कलर इसलिए रहा हूँ ताकि आपको लुक वगैरह दिखा सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारी क्वालिटी में यहाँ पर देखने को मिलता है। बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेसर के तो यहाँ पर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8200 5G प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिलता है, साथ ही 50 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यहाँ पर देखने को मिलता है और साथ ही 80 वोल्ट का फ्लैश चार्जर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। वीवो में जो चार्जर आते हैं उसको फ्लैश चार्जर बोलते हैं, साथ ही 8GB 256GB वेरियंट में 40,000 में देखने को मिलता है, 4600mAh की बैटरी देखने को मिलती है, साथ ही कर्व डिस्प्ले जो है यहाँ पर हमें इस फ़ोन में देखने को मिलती है। बात करते हैं यहाँ पर थर्ड फ़ोन की तो यहाँ पर ओप्पो का रेनो 10 प्रो देखने को मिलता है। तो करते हैं अनबॉक्सिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैंने एक पर्पल कलर लिया है, तो यहाँ पर आप काफ़ी प्यारा कलर देखने को मिलता है, सब अपनी अपनी जगह ओके है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 778G 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, साथ ही 50 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल प्लस 32 मेगापिक्सल का कैमरा जो है यहाँ पर सोनी का कैमरा यहाँ पर देखने को मिलता है, 32 मेगापिक्सल का यहाँ पर फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, साथ ही 80 वोल्ट का सुपर वोक चार्जर देखने को मिलता है, 40,000 रुपये में 12GB 256GB रैम रोम यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। बात करते हैं बैटरी की तो यहाँ पर 4600mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो पूरे दिन यहाँ पर वर्क करती है। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों का जो मैंने यहाँ पर अनबॉक्सिंग करके भी बताया आपको, कर्व डिस्प्ले भी तीनों की बताइए, आप देख सकते हैं तीनों में कर्व डिस्प्ले है। तो यहाँ पर लुक किसका आपको बेटर लग रहा है मुझे कमेंट करके बताएं, और यहाँ पर मेरा जो ओपिनियन है वो यहाँ पर आप वीवो का V29 Pro यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। 8GB 256GB हालांकि यहाँ पर रैम रोम कम है, बट यहाँ पर जो कैमरा क्वालिटी यहाँ पर दासू कैमरा क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, और साथ ही सेकंड नंबर पर जो है ओप्पो का रेनो 10 Pro देखने को मिलता है, साथ ही थर्ड नंबर पर वीवो का V29 यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको किसका लुक अच्छा लगा, किसका बैक पैनल अच्छा है वो मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।